अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मदीना सिल्क क्लब की नई वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अल्लाह के करम और फजल से ठीक ठाक होंगे। तमाम दोस्तों का शौक माशाल्लाह से रूज पर चल रहा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मुझे आपसे यह गिला है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिस तरह आपका हक बनता था, तो जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर लाजमी करें। चलते हैं वीडियो के मेन मौजू की तरफ। माशाल्लाह से सुबह सुबह का वक्त है, मुर्गों वगैरह को हमने खुराक वगैरह डाल दिया है। माशाल्लाह से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारी ये रेड मादी है, उसके दो चिक्स और साथ में वो ब्लैक मुर्गा। रेड मादी ने भी ये जो है बच्चे नहीं छोड़े, उसके बावजूद जो है इसने अंडे शुरू कर दिए हैं। ये रेड मादी की एक मैं आपको खसूसियत ये बता दूँ कि अगर इसने एक मरतबा इसने बच्चे निकाले हैं ना, जब तक ये अंडे देकर कुड़क उन अंडों पर नहीं बैठ जाती, दूसरी मरतबा ये अपने पहले बच्चों को नहीं छोड़ती। माशाल्लाह से परसों इसने एक अंडा दिया था, कल इसने अंडे की छुट्टी की, आज फिर माशाल्लाह से दूसरे अंडे के लिए तैयार है। इसको भी अभी बाहर निकालना, चूँकि ये अंडे की जगह इसने जो बनाई है, ये इसने बनाई है किचन में। असील मादियाँ जो होती हैं उनकी ये खूबी होती है, एक ये आदत होती है कि एक जगह अगर इन्होंने अंडा दे दिया तो फिर वो सारे के सारे अंडे एक जगह पर उतारती और उधर ही कुड़क बैठती हैं। किसी और जगह पर अंडा नहीं देंगी और ना ही किसी और जगह पर कुड़क बैठेगी। माशाल्लाह से इसने अभी दूसरा अंडा देना है, इसका भी हम बाहर निकाल देंगे। माशाल्लाह से ये फिर अंडा दे देगी। ये तकरीबन देती है 11 से 12 अंडे। पिछली मरतबा तो माशाल्लाह से इसने 12 अंडे दिए थे, जिसमें से इसके 9 बच्चे निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से फिर सौकड़े बीमारी आ गई थी, जिस वजह से अभी इसके 2 असील बच्चे हैं। और उसके बाद माशाल्लाह से ये हमारा ये ब्लैक पेयर आप देख सकते हैं, ये इसी ब्लैक मुर्गे का है। लेकिन मैंने सबसे पहले जो इसके साथ दो मादियाँ लगाई थी ना, उनमें से एक एक चूज़ा मैंने रख लिया था, एक एक चिक मैंने रख दिया था। उस वक्त ये बहुत छोटे थे और बाकी जो चिक्स थे मैंने सेल कर दिए थे, और एक मादी उसमें उनमें से जो मर गई थी। दूसरी मादी जो मैंने सेल की थी वो 13 बच्चों के साथ मैंने सेल की थी, और ये दो बच्चे मैंने जो हैं वो रख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये दोनों नर बने, बहुत ही खूबसूरत नर बने हैं। और एक नर का तो नाम मैंने बेड़ा रखा है, वो बेड़ा इस वजह से रखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो चिक्स हैं इनको जो है मुर्गे ने मारा, और ये जो ब्लैक नर है, दो जोड़ा आप देख रहे होंगे उसमें, जो जिसका नाम मैंने बेड़ा रखा है, उसको इस ब्लैक मुर्गे ने जो है वो कील मारा है, शायद कि पाँव मारा, और उसकी जो है ना एक आंख थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने इसका नाम बेड़ा रख दिया। माशाल्लाह से उसके बाद हमारी चीनी मादियों के जो हैं आप देखें चिक्स, माशाल्लाह से 4 पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक रेड पेयर है माशाल्लाह से, एक चीना पेयर है, एक गदरा पेयर है, और उसके बाद एक सफ़ेद नर है, और बहंगम जो है वो आप देख रहे हैं सामने, बहंगम मादी है तितरे रंग में। माशाल्लाह इनका भी मैंने सेटअप बनाना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि माशाल्लाह से 4 ये है ना पेयर चीनी मादी के, उसके बाद 2 पेयर हैं ब्लैक मुर्गे के, यानी वो तो चारों नर हैं ना, आप पेयर के हिसाब ही लगाने समझो, 4 नर उसके हैं, और उसके बाद रेड मादी और ब्लैक मुर्गे का एक पेयर, तो ये हो गया कुल मेरे पास, कुल मिलाकर 4 वो पेयर, 4 और 2 6 और 1 7 प्याज। मेरा ख्याल है कि इनके लिए मैं 10 खुड्डे बनाऊँ, मैं खुड्डे बनाने की तैयारी में हूँ। माशाल्लाह से उम्मीद करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं जो है वो खुड्डों का काम शुरू कर दूँगा। माशाल्लाह से अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर मैंने के खुड्डों का इंतज़ाम करना है, खुड्डे वगैरह बनाने हैं। मैंने खुड्डों के लिए 2 जगहों का इंतखाब किया, एक तो जो हमारा जो घर है ना उधर सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे जो है मेरी खुले जो हैं, खुले डुले जो हैं वो तकरीबन 8 खुड्डे आ जाएंगे, या तो मैं उधर बनाऊं तो या मैं इधर बनाऊं, तो मेरे ज़्यादा चांसेस तो इधर ही हैं। चूँकि इस हफ्ते के अंदर अंदर मैंने खुड्डों का काम शुरू करना है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहे तो खुड्डे मैं यहाँ बनाऊंगा। बाहर यह है कि खुली हवा वगैरह लगती रहती है, अंदर तो जो है ना वो सीढ़ी के नीचे तो परिंदे थोड़े कैद हो जाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने दीवार जो कि घिरी हुई है, ये पहले मेरा दिल था कि मैं इसको खुद गिरा दूं, लेकिन ये हवा की वजह से गिर गई है। गिरा इसलिए दूं कि ये दीवार थोड़ी सी टेढ़ी थी और इस वजह से जो है ना ये गिर गई है। एक तो ये सामने गिरी हुई है, उसके अलावा ये आप छोटी दीवार देख रहे होंगे उसको भी मैं गिरा दूंगा। इधर टोटली खुड्डे बनने हैं माशाल्लाह से, बनाना तो मैं 7 खुड्डे चाहता हूँ, अगर हो सका, अगर मेरे पास मेरे जेब ने मेरा साथ दिया तो हो सकता है मैं 10 खुड्डे भी बना लूँ। 4 खुड्डे आ जाएंगे ये जो आप गिरी हुई दीवार देख रहे हैं इधर, और 2 छोटी दीवार के साथ माशाल्लाह से आ जाएंगे। उसके अलावा आज ये पिलर वगैरह देख रहे होंगे दीवारों के साथ साथ, ये मैंने बड़े बड़े खुड्डों के लिए बना रखे हैं,
जिस वक्त मेरा फुल फार्म का प्रोग्राम बना, जिस वक्त मैंने फार्म का काम शुरू कर दिया, एक मरतबा मैं ये खुडे बना लूँ फिर तो साथ साथ ये छोटा छोटा काम थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, ये 7 खुडे बन जाएंगे, उसके बाद एक एक खुडा बनाता जाऊँगा और फार्म को जो है वो परिंदों के साथ फुल भरता जाऊँगा माशाल्लाह से। चूँकि मैं जो है वो ख़रीद तो करता हूँ नहीं हूँ परिंदों की, मेरी अपने घर की ब्रीड होती है, तो मैं इसी को जो है आगे मैं इसकी ब्रीडिंग करवाता हूँ। अल्लाह मुझे तरक्की देगा कि मैं इसकी और आगे ब्रीड करवाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी अपडेट पसंद आएगी, उसके अलावा आप भी मुझे मुफीद मशवरे दे सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।